गुड मॉर्निंग मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे जय माता दी आप सभी को। तो गाइस टाइम देख लें, दिख भी नहीं रहा ढंग से, 5:30 का टाइम होगा और ये है बर्तन सारे पानी। तो गाइस मुझे 4 बजे के बाद में नींद भी नहीं आ गया, 3:30-4 बजे के आसपास में, तो मैं आज जल्दी उठ गई क्योंकि मेरे हाथ पैरों की चीज़ हो गई, कमर में दर्द हो गया। कल मैं गई थी तन्नू के नेल्स कराने, तो उसके बाद में मैं 5-6 घंटे बैठ ही रही हूँ, फिर आके घर पर खाना वाना बनाया तो कमर में दर्द हो गया, जिसकी वजह से रात सारे बर्तन मैंने ऐसे छोड़ दिए थे, अब आके धोए हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ और टाइम भी दिखा देती हूँ, 5:30 का टाइम होगा। तो गाइस मुझे 4 बजे के बाद में नींद भी नहीं आ गया, 3:30-4 बजे के आसपास में, तो मैं आज जल्दी उठ गई क्योंकि मेरे हाथ पैरों की चीज़ हो गई, कमर में दर्द हो गया। कल मैं गई थी तन्नू के नेल्स कराने, तो उसके बाद में मैं 5-6 घंटे बैठी ही रही हूँ, फिर आके घर पर खाना वाना बनाया तो कमर में दर्द हो गया, जिसकी वजह से रात सारे बर्तन मैंने ऐसे छोड़ दिए थे, अब आके धोए हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ और टाइम भी दिखा देती हूँ, 5:30 का टाइम होगा। तो गाइस फिलहाल तो अभी किचन मेरी इतनी अच्छी हो रही है, देख सकते हो कितनी गंदी, अभी ये सब साफ़ करूँगी। रात के तेज चिमटे भी मेरे बस की नहीं था बिल्कुल भी खड़ा होना, तो मैंने ऐसे छोड़ दिए थे, और ये भी डाल देती हूँ धोने के लिए, बाकी के बर्तन ये रहे। तो चलिए गाइस पहले सारे बर्तन धो दो, फिर मिलती हूँ। गाइस सुबह का मौसम है अभी, देख सकते हो, और मैं उठी गई थी, मैंने बताया था 3:30-4 बजे की उठी हुई हूँ, और क्या मौसम हो रहा है। सुबह सुबह का उठने का अलग ही मज़ा है गाइस, काम भी जल्दी निबट जाए और मेरा थोड़ा योगा भी हो जाएगा, आज से योगा भी चालू करा है। तो चलिए गाइस चलते हैं माइक किचन। तो चलिए गाइस मैं जा रही हूँ, बंदा अंधेरा हो रहा है तो वीडियो भी अच्छी नहीं आ रही, तो चलिए झाड़ू लगा देती हूँ, बर्तन धो गए, किचन साफ हो गई, झाड़ू लगा लेती हूँ जाके। तो चलिए गाइस मैं आ गई हूँ अंदर, कूड़ा गिर गया हूँ और अब अंदर आ गई हूँ, बर्तन सारे धो चुके हैं, अब झाड़ू लगा देती हूँ, टाइम हो रहा है 5:45। तो चलिए गाइस मिलते हो, अभी झाड़ू पोछा लगा लूँ उसके बाद मिलते हो आपको। तो गाइस यहाँ सारे में मैंने झाड़ू लगाती है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि यहाँ मेरी झांझी रखी है बाहर, तो इसलिए मैंने झाड़ू लगाई पूरे घर में, बस पानी रह रहा पेड़ों में गिरना, तो पेड़ों में पानी दे दूँगी, और यहाँ भी झाड़ू लग गई है, कवर सही कर दिया, झाड़ू लग चुकी है, और यहाँ भी झाड़ू पोछा लग चुका है, मंदिर साफ हो गया है, और यहाँ भी मैंने पोछा वोछा लगा दिया, गैस वगैरह सब कुछ एकदम कर दिया है साफ, तेज चिमटा सब धो दिए हैं, रात तो नहीं धो पाई थी, धुंधला तो है, हाँ रात तो नहीं धोए थे तब धोए, और ये रहे बर्तन वगैरह थोड़े से, और ये मैंने फ्रिज में से निकाले और पता नहीं हाथ में यहाँ पे और ये छाला कैसे पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा। ये थोड़े से बर्तन है रात के फ्रिज में से निकाले, इन्हें भी धो के रख देती हूँ और फिर जाती हूँ नहाने, नहाने के बाद मिलती हूँ। तो अब चली गई नहा लेती हूँ, झाड़ू पोछा लग चुका है, बाहर भी सारी सफाई कर दी है, अब नहा लेती हूँ, नहाने के बाद आपको। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, सिर धो लिया है, नहा ली और अब जा रही हूँ जोत बांधने, और तन्नू को उठा के आई हूँ, तन्नू का सिर धो के आई हूँ, वो भी तैयार हो रही है, इतने मैं अपनी जोत बाती करके चाय पीती हूँ, फिर मैं तैयार होंगी। तो चली गई पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस पूजा मेरी हो चुकी है और जोत खूब अच्छी आ रही है, अंगारी जो मैंने करी थी, और देख सकते हो आप सब भी दर्शन कर लीजिए, और आज भी एक ही माला दे के गया, क्या ही कर, मैंने 2 माला बोल रखी, 1 माला पकड़ा के जाता। तो चले गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। तो गाइस 1 माला ऊपर के लिए आई थी, और ऑफिस में आई हूँ तो मैं नीचे देखा 1 माला यहीं रखी थी, तो यहाँ की भी पूजा हो गई है और अब जा रही हूँ ऊपर। तो चले गाइस भी मेरे मैया रानी के दर्शन कर लीजिए, ये ऑफिस वाला मंदिर है। तो चले हाँ मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, मैं जा रही हूँ ऊपर चाय पीऊँगी और मैया रानी का भोग लगाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ लगा दिया मैंने भोग लड्डू गोपाल जी को भी और मैया रानी को भी। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब जा ही रहे हैं, ड्राइवर आने वाला है, जैसे ड्राइवर आ जाएगा वैसे ही मैं उतर लूँ, हम चले जाएंगे, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको रास्ते में ही जाके बताऊंगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में, खाना वाना बनाया नहीं, बस दूध उबाल के तन्नू के पापा को और सोनिया को दे दिया है खाना, उसके पापा कह रहे हैं कहीं दावत है वहाँ जाएंगे, तो सोनिया को मैंने कर दिया पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर। तो चलिए गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। तो गाइस
बस हम पहुंचने ही वाले थे यहाँ से, हमारे यहाँ से 40-45 मिनट का रास्ता था, ट्रैफिक मिल जा ट्रैफिक में फंस गए थे, तो हम पहुंच गए थे मैं और तन्नु, और यहाँ पे तन्नु की ड्रेस रखी थी, और यहाँ पे एक जो मिनर है इसमें तन्नु अपनी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो गाइस मुझे जाके बहुत अच्छा लगा, जिन यहाँ एक गुड़िया थी मैं जिससे मिली थी, जिसकी ड्रेस वगैरह वो बनाती हैं, बहुत अच्छी ड्रेस बनाती है, उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये तन्नू की मेकअप आर्टिस्ट है जिन्होंने तन्नू का मेकअप करा था, बहुत सुंदर। और गाइस तन्नू बहुत सुंदर लग रही थी, बस तन्नू को थोड़ी सी मोटे होने की ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है। तो गाइस यहाँ हो रहा था तन्नु का फोटोशूट, और यहाँ पे सॉन्ग था इसलिए मैंने वॉइस आवाज दी है, यानी फिर कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट की दिक्कत हो जाती है इस वजह से। मुझे ना ये रे फेस पे आते अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या है क्या भी है अपने अकॉर्डिंग लोग रेस कुछ बोल मुझे ना ये फेस पे आते अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या है क्या भी है अपने अकॉर्डिंग लोग रेस कुछ बोल गाइस यहाँ भी तन्नू का फोटोशूट हो रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से करना है। यहाँ पे भी सॉन्ग था तो मैंने इसलिए वॉइस आवाज़ दे दी है, मुझे कॉपीराइट से बहुत डर लगता है, मेरे पहले वाले चैनल पे आया जब से मैं नहीं करती हूँ, गाने वाले नहीं डालती हूँ ऐसे ब्लॉग में। तो चलिए गाइस देखते रहिए आप भी। तो गाइस यहाँ एक लड़की और थी जिसका भी फोटोशूट हो रहा था, तो साथ में उसका भी हो रहा था और तन्नू का भी हो रहा था, तो दोनों का एक साथ था। तो गाइस बाकी का ब्लॉग आपको तन्नू के बाकी का भी जो भी वीडियो है तन्नू के ब्लॉग में मिलेगी देखने को। मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली थी बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो गिरेंगी बाद में, जब तन्नू गिर देगी उसके बाद में गिरूँगी। तो चलिए गाइस आप देखते रहिए, मैं मिलती हूँ आपको अभी।
निकाली।